नमस्कार, मेरा नाम है मयूरी और आज मैं बना रही हूँ पीस पुलाव यानी कि मटर पुलाव। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो बनाते हैं आज की रेसिपी। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे तेजपान, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिया है, इसी कटोरी से हम पानी लेंगे। पानी मैंने सवा कटोरी लिया है। उसके बाद एक कटोरी हम फ्रेश मटर लेंगे, थोड़े से काजू और थोड़ा सा घी। अब हम चावल को अच्छे से धो लेंगे। चावल धोने के बाद यहां मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ये 10 मिनट तक ढक के रखना है। उसके बाद कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, घी 2-3 चम्मच है। उसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है एक कटोरी मटर। जो चावल हमने 10 मिनट रखे थे, ये एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। चावल को हम कुकर में डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे, उसी कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी हमें सिर्फ सवा कटोरी ही डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो जो चावल है वो ज़्यादा पक जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगानी है। जैसे यहाँ 2 सीटी हो गई, 2 सीटी के बाद हम गैस बंद कर देंगे। और जब तक ये ठंडा नहीं होता है, तब तक हम इसे खोलेंगे नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे। और जो चावल है, आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर बन गए हैं। अब बस इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब बस बन गया है हमारा मटर पुलाव यानी पीस पुलाव। आप भी बनाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत ही सिंपल डिश है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।